इनकी माताजी को बाहर ले जाइए। मैं कुछ नहीं करूंगी, आप बस देख लीजिए मेरी बेटी को। माताजी, आप प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, आप बाहर बैठिए, आइए। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? हाँ, बस बुखार तेज होने की वजह से बेहोश हो गई है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं अभी आती हूँ। आरोपियों को अदालत ले जा रही पुलिस की गाड़ी पलटी, एसएसपी का बयान, भागते हुए सभी आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। ये आप क्या कर रहे हैं? देख नीरा, चेक कर रहा हूँ। पर उसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि इतना टच करके आप चेक किए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो टच करके ही चेक की जाती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। घटिया इंसान, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ आपकी बेटी को, क्या यार छोटी छोटी बात पर रोने बैठ जाते हैं ये लोग। वो उनकी इकलौती बेटी है, टेंशन तो होगी ना। तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? देखो ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ इमोशंस काम नहीं करते। अगर ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोते बिलखते लोगों के साथ इमोशनल हो गई, तो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को कट लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, समझी? जी डॉक्टर। कॉलेज के बाहर लड़की छेड़ते हुए मनचले को एसएसपी ने मारी गोली, एसएसपी का बयान, मनचले के पास था तेज धार हथियार। डॉक्टर जल्दी चलिए, एक पेशेंट बहुत सीरियस है, काफी खून भी बह गया है। अरे खाना खा लूं या तुम चाहती हो उसके साथ मैं भी बेड पर पड़ा हूँ बेहोश? गलत मत समझना ठीक है। डॉक्टर ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। अरे कंडीशन क्या है बताओ। उसकी सहेली ने बताया, स्कूटी पर कॉलेज से आ रहे थे हम दोनों, दो लड़के बाइक से पीछा कर रहे थे तो कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। लड़की है? हाँ। तो बेवकूफ पहले क्यों नहीं बताया? ये कभी नहीं सुधरेगा। एक काम करो, पता करो इसका बीमा हुआ है, अगर 10 लाख का बीमा होगा तो 8 नहीं 9 लाख बोल देना जमा करवाने को, और अगर बीमा ना हुआ हो तो माँ बाप की हैसियत देखकर बोल देना कुछ भी। आप सीरियस हैं? इस लड़की से एक काम बोलो, 10 सवाल खड़े कर देगी। अरे रीना तुम जाओ कहो उनसे, और तुम इधर आओ, जिस बिल्डिंग में तुम खड़ी हो ना इसमें अगर कोई पेशेंट ना आए तो भी इस पूरी बिल्डिंग को एक दिन का 4 से 5 लाख खर्च चाहिए होता है, और तुम जैसी लड़कियां ऐसे कमरों में बैठकर मुफ्त की चाय पीती रहती हो। आज के बाद मुझसे सवाल करने की हिम्मत मत दिखाना तुम। जी सर। अब जी जी करती रहोगी या लड़की को देखने में मेरी हेल्प करोगी? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी बेटी की उम्र की है, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे तो बिना टच करे कैसे देखूं? तुम इस फील्ड में अभी आई हो क्या? तुम तो ह्यूमन राइट्स वगैरह में चली जाती। लो रीना भी आ गई, रीना इसे बाहर निकाल अभी। पर सर, तुमको भी अपने मार्क्स कम करवाने हैं क्या? तुम प्लीज चलो, तुमको डॉक्टर नहीं बनना है क्या? और तुम कैसे कह सकती हो कि वो बैड टच ही कर रहे थे? अब डॉक्टर बिना टच किए तो जांच नहीं कर सकता ना। जब भी कोई बेहोश हुई लड़की आती है हॉस्पिटल में तो ये सबसे ज्यादा उत्साहित होता है इलाज करने में, वही कोई लड़का हो तो फिर चाहे वो मर भी जाए इसके सामने इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जांच करते हुए कभी इसका फेस देखना, समझ जाओगे ये जांच कर रहा है या कुछ और। पर यार वो सीनियर डॉक्टर है, हम इस तरह उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते, उनकी वजह से ये पूरा हॉस्पिटल चलता है। मैनेजमेंट को अगर उनके और हमारे बीच किसी को चुनना पड़े तो वो हमें निकालना ही प्रेफर करेंगे। घर वालों का इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी, एक आइडिया है। दरअसल ये कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एसएसपी की बेटी थी, डॉक्टर को शायद इस बारे में पता नहीं था तो लड़की ने अपने पिता को फोन करके सारी बात बता दी। तुमने जितनी भी लड़कियों के बारे में बताया है, अगर वो बेहोश थी तो गवाही नहीं दे सकेंगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ। सबूत के तौर पर तुम वीडियो बना लो और फिर बाकी का काम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। पिता के कहे अनुसार बेटी अब वीडियो बना लेती है, ना चाहते हुए भी उसे डॉक्टर के साथ कई बार काम करना पड़ता है। अब नहीं कुछ कहोगी? वैसे समझदार हो गई ये लड़की। जी डॉक्टर। डॉक्टर को शायद ये बात नहीं पता थी लेकिन उसकी ये हरकतें नेशनल टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। डॉक्टर हार्ट रेट कम हो रहा है। अरे जाने दो, ये वैसे भी और 1-2 साल मुश्किल से जिएगा, जिंदा रहा तो बिल बहुत कम बनेगा और बाहर मर गया तो किडनी हार्ट लीवर निकालकर हॉस्पिटल की बैलेंस शीट में अच्छा मुनाफा ऐड होगा, मेरा प्रमोशन होगा। बधाई हो डॉक्टर साहब, आपका प्रमोशन जेल में होने वाला है। पापा आप आ गए। पापा क्या तुम इनकी बेटी हो? अरे चलिए भी, बाकी सवाल जवाब रास्ते में कर लेंगे, जल्दी क्या है। डॉक्टर को थाने ले जा रही गाड़ी नहर में गिरी, पुलिस वाले थे तैराक, डॉक्टर की डूबने से मौत। हेलो पापा, क्या आपने? मैं
मैंने कहा था ना बेटा, तू बस वीडियो बना लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब संभाल लिया मैंने।